सो गाइस, आज का वीडियो एक कोलैब वीडियो है मेरे और एनिमे लेडी के बीच में, जिसमें हम डॉक्टर स्टोन एनिमे के बारे में बात करेंगे कि क्या इसे देखना चाहिए या नहीं। मुझे पता है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स इट्स एनिमे लेडी को जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाय, आई एम इट्स एनिमेलेडी। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो मुझे नहीं जानते होंगे। आई एम ऑल्सो एन एनिमे यूट्यूबर, बट नॉट दैट गुड। हाँ, डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे रही हूँ, मुझको एनिमे के बारे में बात करना पसंद है, सो मेरा ये एक मीडियोकर चैनल है। सो हेलो टू दोज जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो अब सबसे पहले आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो गाइस। और हाँ, अभी मुझे पता नहीं है कि आप लोग DBS की मांगा पर अपडेटेड हो या नहीं। अगर हो तो मैंने ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के चैप्टर 53 पे गुहान की स्ट्रेंथ और अल्टीमेट फॉर्म के हिंट्स दिए हैं। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डाली है, और ड्रैगन बॉल हीरोज एपिसोड 18 का रिलीज डेट भी आ गया है, तो जाओ वेबसाइट पर और देखो, और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, वहाँ और भी अपडेट्स आती रहेगी। तो अब दोस्तों बहुत हो गई बातें, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, आप लोग टेंशन नहीं लेना, हम आपको ये एनिमे के स्पॉयलर्स नहीं देने वाले हैं, तो आप ये वीडियो बिंदास देख सकते हैं। पहले तो हम आपको इस एनिमे के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि इसकी कहानी क्या है। तो देखो दोस्तों, इस एनिमे की स्टार्ट में ही एक ऐसी पेट्रिफिकेशन लाइट धरती पर आती है जो पूरी दुनिया के इंसानों से लेकर पंछियों तक को पत्थर बना देती है। सबसे पहला जो पत्थर से निकलता है वो और कोई नहीं, हमारा हीरो होता है, जिसका नेम सेंकू है। देखो गाइस, इसमें हीरो इतना जीनियस और ब्रिलियंट प्रोटैगनिस्ट है जिसकी इंटेलिजेंस देखकर तुम शॉक्ड हो जाओगे। वो 6 महीने से ये ढूंढ रहा होता है कि दूसरों को पत्थर से कैसे निकाले। पेट्रिफिकेशन को 3700 साल हो चुके हैं, मतलब सेंकू अब 3700 साल बाद पेट्रिफिकेशन से बाहर आया है, और उसने ये देखा कि पूरी दुनिया जो साइंस में इतनी एडवांस्ड थी अब दोबारा स्टोन वर्ल्ड में जा चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी के पास ना तो अब इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुमको उसका दर्द ज़्यादा समझ आए। सो अर्थ का मानो रीसेट बटन ही दब गया है, एंड ह्यूमैनिटी हैज़ टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। बट वरी नॉट, सेंकू एक साइंस जीनियस है। गूगल में शायद आंसर्स सर्च करने से पहले ही हर चीज़ का सोल्यूशन सेंकू के पास होता है, एंड सेंकू का बस एक ही ड्रीम है, ह्यूमैनिटी को साइंस में उतना ही एडवांस करना जितना वो 21st सेंचुरी में थी, एंड उसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी का वापस आना बहुत ज़रूरी है। अब इसी जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसके लिए आई रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस शो। बोनस चीज़ जो मैं ये बताऊँगी इस एनिमे के बारे में कि ये साइंस को बहुत ही अमेजिंग वे में दिखाता है, एंड ये रियलाइज़ कराता है कि सच में हर छोटी चीज़ साइंस से ही तो आती है, एंड साइंस इज प्योर मैजिक। सो गाइज, ये एनिमे जब आप लोग देखोगे तो सही में एडिक्ट हो जाओगे। इस एनिमे को देखने के सच में बहुत ही सारे रीजंस हैं। आपको इसमें बहुत नॉलेज मिलेगी साइंस रिलेटेड। ये एनिमे में हीरो हर चीज़ साइंस की हेल्प से क्रिएट करता है, और हर चीज़ को डिटेल में बताया गया है इसमें। तो यार, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री के बारे में भी मालूम पड़ेगा। ये एनिमे की यार जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इसके अब तक 24 एपिसोड्स में से 17 एपिसोड्स आ गए हैं, और इसका एक एपिसोड भी मुझे बोरिंग नहीं लगा। एकदम यूनिक स्टोरी है जिसका एग्जीक्यूशन एनिमे में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जिन्होंने इस एनिमे को देखा है उन्हें पता ही है इस एनिमे का लेवल क्या है। एनिमे तो अच्छा है ही, बट इसके अभी 2 ओपनिंग सॉन्ग्स आ चुके हैं, एंड दोनों ही बहुत अच्छे हैं। म्यूजिक ऑफ बोथ द ओपनिंग इज लिट। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो कभी स्किप नहीं करती इसकी ओपनिंग, एंड जब आप लोग भी देखोगे आई डोंट थिंक सो यू गाइस आर गोइंग टू स्किप इट। अब हम इस एनिमे के कैरेक्टर्स की बात करें तो सबका मेजर रोल है इसमें, सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इसमें बहुत अच्छे से हुआ है, और इस एनिमे की कहानी धीरे धीरे इतनी इंटरेस्टिंग होती जाती है कि तुम इसे देखते ही जाओगे। सेंकू मुझे अब तक का मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर लगा है। आई वंडर वो ऐसा कैसे है, लाइक इज इट इवन पॉसिबल कि कोई इंसान इतने फॉर्मूलास सब कुछ याद रख पाए। आई नो करेक्टर की इंटेलिजेंस एंड मेमोरी पावर थोड़ी ओवर पावर्ड लगेगी, बट यही सच है। सेंकू की सुपर पावर ही उसकी साइंस है एंड उसका ब्रेन है, एंड ही हैज शोड मी कि गीक्स कैन ऑल्सो बी हॉट।
और गाइस कहानी में आगे एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। इस एनिमे को बनाने वाला सच में जीनियस होगा, इतनी वेल रिटन स्टोरी है। ये एनिमे तो यार है ही कमाल का, इसकी रेटिंग्स भी बहुत हाई है IMDb और माई एनिमलिस्ट पर। ऐसे सब एनिमेस देखते हैं ना तो मन में एक ही ख्याल आता है कि काश हमारे इंडिया में भी ऐसे यूनिक स्टोरी लाइन वाली कोई चीज़ बने इन एनिमेशन, जिसे सब लोग देखे और अप्रिशिएट करें। अभी ही कुछ दिनों पहले कर्म चक्र का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसको फर्स्ट इंडियन एनिमे फिल्म भी कह सकते हो। वो YouTube पे अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर। बेस्ट पार्ट ये था कि उसे देख के पता चलता है कि स्टोरी राइटर्स ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, स्टोरी को ऐसा बना के कि वो एडल्ट पे है। वरना बहुत लोग फर्स्ट एनिमेशन में या तो टीनेजर्स या किड्स के ऊपर स्टोरी बनाते हैं, दैट टू सिंपल रोमांटिक वन। बट ट्रेलर से मुझे जितना समझ आया, आई कैन से कि ये स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है। मैं तो इसकी रिलीज का वेट कर रही हूँ, भले ये यूट्यूब पे क्यों ना हो। इंडिया अपना खुद का एनिमे तो बना रहा है एटलीस्ट, और तो और अब इंडिया में एनिमे मूवी भी आराम से रिलीज होने लगी हैं। वी शुड बी हैप्पी, इट्स अ बिग चेंज। अब तो इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली और टैंकी नोगो के आने से अच्छी खासी ऑडियंस हो गई है एनिमे की। ऐसे ही और एनिमे मूवीज इंडिया में आएगी ना तो अच्छा खासा एनिमे का फैन बेस बन जाएगा इंडिया में भी। बस उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। आई वॉन्ट कुछ ऐसी एनिमे मूवी रिलीज हो जो थ्रिलर एंड सस्पेंस के ऊपर हो, जिनको देख के व्यूअर्स जब बाहर निकले वो पागल ही हो जाएं एंड दोबारा देखना प्रेफर करें। इट वुड बी एक्सिलरेटिंग, यू नो। तो अब गाइस आज का हमारा वीडियो का एंड यही करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कोलैब पसंद आया हो। और गाइस जाओ और एनिमे लेडी के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। उनके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो उनके चैनल को भी एक बार तो चेकआउट जरूर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाए मास।